स्टडी लेट इजी लर्निंग। टेबल को रटकर उसे हमेशा के लिए याद रखना सिर खो जाने जैसा ही है, चाहे कितना भी रट लो उसे भूलना तो तय है। और ये मर्ज बड़े और छोटों में समान रूप से पाया जाता है। तो इसी समस्या का समाधान के लिए मैं एक ऐसा यूनिवर्सल मेथड लेके आया हूँ जिसकी मदद से आप बिना रटे कितने भी डिजिट का टेबल आप आराम से लिख सकते हो। इसीलिए यहाँ पे हेडिंग भी है 2, 3, 4 डिजिट। यहाँ 4 डिजिट तक ही सीमित नहीं रहेगा, आप 10 डिजिट, 20 डिजिट, जितना मन करे आप उतना डिजिट का टेबल आराम से लिख पाओगे, वो भी बिना रटे। बस आपको चाहिए क्या, 1 से लेके 9 तक का टेबल आपको याद रहना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए बिना किसी भी स्टेप को स्किप किए हुए, जिससे कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आप इस स्टेप को स्किप करोगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हो। तो शुरू करने से पहले आपको इस चीज़ का ज्ञान होना ही चाहिए, आमतौर पे सबको ये पता ही होता है, मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको। प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स, किसी भी नंबर का राइट मोस्ट साइड जो होता है वो यूनिट्स कहलाता है अंग्रेजी में, यानी हिंदी में इकाई कहते हैं। उसके लेफ्ट वाले को टेंस बोलते हैं यानी दहाई, उसके लेफ्ट वाले को हंड्रेड्स यानी सैकड़ा, और फिर थाउजेंड्स हज़ार, 10,000, 10,000, इस तरह से चलता चला जाता है। तो यहाँ मेनली यूज़ होगा यूनिट्स एंड टेंस, इकाई दहाई का यूज़ है ज़्यादातर, और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स का भी यूज होगा जो कि थोड़ा कम ही होगा। तो आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे 12 का टेबल लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 12 का टेबल लगभग सभी को पूरा याद रहता ही है, जिस वजह से क्या होगा कि आपको कंसेप्ट समझने में और भी आसानी होगा। और मेन बात तो यही है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे करना क्या है, 12 का टेबल हमको लिखना है। तो 12 का टेबल में 12 आता है, और 12 में 2 डिजिट होता है, 1 और 2। तो करना क्या है, 2 के नीचे 2 का टेबल लिख देंगे और 1 के नीचे 1 का टेबल लिख देंगे। तो पहला स्टेप में बस इतना ही करना है। तो स्टेप 2 में क्या करना है कि टेंस प्लेस पे यानी दहाई प्लेस पे जितना भी खाली जगह है वहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। ऑरेंज वाला देख सकते हो आप, 0 लगा हुआ है। अगला थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको सब कलरफुल दिख रहा होगा, इसका भी रीज़न है जो कि आपको अभी पता चल जाएगा। तो पीछे हमने क्या किया, 2 का टेबल लिख लिया और 1 का टेबल लिख लिया, और टेंस प्लेस यानी कि दहाई वाले स्थान पे जो खाली था वहाँ पे 0 ऐड कर दिया। और अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि 12 का जो यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस वाला डिजिट 2, उसका जो हमने टेबल लिखा यानी 2 का टेबल, तो 2 के टेबल में जो यूनिट प्लेस वाले जितने भी डिजिट हैं, यानी यहाँ पे जो ब्लैक वाला जितना भी डिजिट है उस सबको एज इट इज़ यूनिट प्लेस पे लिख देंगे। इसके बाद क्या करना है कि 2 के टेबल में जो टेंस प्लेस में डिजिट है यानी दहाई वाले स्थान में जो डिजिट है, और 1 के टेबल में इकाई स्थान वाले यानी यूनिट प्लेस वाले जितने भी डिजिट हैं उसको एक दूसरे से एक एक करके ऐड करके उसको यहाँ पे टेंस प्लेस पे लिख देंगे। और लिखने का एक तरीका है कि अगर ऐड करके 2 डिजिट आता है तो यूनिट प्लेस वाला डिजिट को लिख देंगे और टेंस प्लेस वाले को कैरी ले लेंगे, एज यूजुअल जो हम लोग आमतौर पे करते हैं। तो यहाँ पे 1 और 0 ऐड करके 1 हो गया, 2 और 0 ऐड करके 2, इसी तरह से 3, 0, 3 हो गया, 4, 0 को ऐड किया 4, 5, 1 को 6, 6, 1, 7 हो गया, 7, 1, 8 हो गया, 8, 1, 9 हो गया, और 9+1, 10 हुआ, जिसमें 0 को लिख दिया और 1 को कैरी कर लेना है, और वो 1 आगे फिर ऐड हो जाएगा बाद में, और फिर 0+2 ऐड होके यहाँ पे 2 लिखा गया। तो आप देख सकते हो कि ग्रीन वाला जितना भी था वो ऐड होके यहाँ पे ग्रीन वाला ही लिखाया। तो अब समझ में आ रहा है कि कलर का क्या रोल हो रहा है यहाँ पे। अगला है पिंक वाला, यानी कि 1 का टेबल वाला जो टेंस प्लेस पे है उसको अब एज इट इज़ 0 को उतार देना है, और जहाँ भी ऐड होगा उसको ऐड कर देंगे। किससे ऐड करेंगे, तो कैरी जो लिए हैं उससे। तो यहाँ पे 9th प्लेस पे जो है 0 है और 1 कैरी था, तो 0 और 1 ऐड होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ 10th वाले प्लेस पे 1 है तो एज इट इज़ 1 यहाँ पे लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैरी था ही नहीं। कुछ लोग बुद्धिमान किस्म के लोग होंगे, उनको ये कंसेप्ट हो सकता है समझ में आ गया होगा और वो वीडियो को छोड़ने की तैयारी में होंगे।
और कुछ लोग को समझ में नहीं आया होगा। तो दोनों किस्म के लोग थोड़ा ठहरिए, क्यों? क्योंकि ये 2 डिजिट का सिंपल सा एग्जांपल था, और अभी तो हमें 2 डिजिट का हार्ड एग्जांपल भी देखना है, और 3 डिजिट का टेबल कैसे लिखना है, 4 डिजिट का टेबल कैसे लिखना है वो भी देखना है। और हर बार तो आप इतना लेंदी प्रोसेस से तो टेबल लिखोगे नहीं, तो इसका सिंपल सा, आसान सा और फास्ट वे में किस तरह से टेबल लिखना है वो भी मैं बताऊँगा। तो इसलिए थोड़ा ठहर जाइए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो आगे चलते हैं। तो 2 डिजिट का टेबल का एक और एग्जांपल लेते हैं, हार्ड वाला, वो है 87 का टेबल लिख के देखते हैं। तो पहला स्टेप में क्या करना है, 87 में 2 डिजिट है 8 और 7, तो 7 के नीचे 7 का टेबल और 8 के नीचे 8 का टेबल लिख देंगे। और स्टेप 2 में जहाँ जहाँ टेंस प्लेस में यानी दहाई वाले स्थान पे खाली जगह है वहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है, 7 डिजिट का जो टेबल हमने लिखा है उसका जो यूनिट प्लेस में जितना भी डिजिट है, यहाँ काला वाला जो दिख रहा है आपको, उसको एज इट इज़ यहाँ पे यूनिट प्लेस पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है कि 7 का टेबल का जो टेंस प्लेस पे है और 8 का टेबल में यूनिट प्लेस पे है उसको एक दूसरे से ऐड करके यहाँ पे टेंस प्लेस पे लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो ऐड करने के दौरान कहाँ कहाँ कैरी आया है वो मैं बता देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पे 8 और 4 के पास कैरी आ रहा है, 8 और 4 मिल के हो जा रहा है 12, 12 का 2 लिख देंगे और एक कैरी हो जाएगा और वो एक आगे जाके ऐड हो जाएगा। और फिर इसी तरह से 6 और 4 ऐड होके 10 होगा, 0 लिखेंगे, एक कैरी रह जाएगा, आगे कोई भी कैरी नहीं हो रहा है, तो ऐड करके लिख देना है सिंपल सा। तो हरा वाला ऐड होके यहाँ पे टेंस प्लेस पे लिखा गया, और पिंक वाला जो है पिंक वाला को एज इट इज़ लिख देंगे, जहाँ पे कैरी था 12 वाला में एक कैरी था तो 4 के साथ एक ऐड होके 5 लिखा जाएगा। उसी तरह से उसके नीचे 5 के साथ एक कैरी था तो एक ऐड होके 6 हो जाएगा, और फिर 6 7 8 एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो इस तरह से लिखना है। आगे देखते हैं 3 डिजिट का टेबल कैसे लिखते हैं। यहाँ पे 954 का टेबल लिखेंगे, 4 के नीचे 4 का टेबल, 5 के नीचे 5 का टेबल, 9 के नीचे 9 का टेबल लिखना है स्टेप 1 में। सेकेंड स्टेप में वैसा ही करना है, 0 ऐड कर देना है टेंस प्लेस में जितना भी वैकेंट है। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे रिजल्ट वाले पार्ट में आप ध्यान दीजिए कि यहाँ 4 डिजिट है, यानी यहाँ यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स प्लेस है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 4 प्लेस यहाँ यूज हुआ है। तो इसलिए मैंने प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट का स्लाइड लगाया ताकि आपको रिकॉल हो सके। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप में वही करना है जो अब तक हम लोग करते आए हैं। तो 954 का टेबल लिख रहे हैं, तो उसमें जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है 4, उसका जो टेबल हमने लिखा उस टेबल में जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है यानी ब्लैक कलर का जो है उसको एज इट इज़ यूनिट प्लेस पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, 4 डिजिट का जो टेबल का टेंस प्लेस पे है और 5 डिजिट का टेबल का जो यूनिट प्लेस पे है उसको ऐड कर देना है, यानी ग्रीन कलर के डिजिट को एक दूसरे में ऐड करके लिख देना है। कहाँ लिखना है, टेंस प्लेस पे, यानी ग्रीन वाले जो लिखा हुआ है वहाँ पे लिख देना है। उसी तरह से 5 डिजिट के टेबल का टेंस प्लेस पे जो डिजिट लिखा हुआ है और 9 डिजिट का जो टेबल लिखा हुआ है उसके यूनिट प्लेस पे जितने भी डिजिट है उन दोनों को एक दूसरे से ऐड कर देना है, यानी पिंक वाले को ऐड करके यहाँ पिंक वाले स्थान पे लिख देना है, यानी हंड्रेड्स प्लेस पे लिख देना है, यानी सैकड़ा वाले स्थान पे लिख देना है। और उसके बाद पर्पल वाले को एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ पे देख सकते हो हरे वाले को जब ऐड करके लिखेंगे वहाँ पे अगर कैरी आता है तो वो कैरी पिंक वाले में ऐड हो जाएगा, उसी स्थान पे ऐड होगा, ठीक है। और पिंक वाले में जब कैरी आएगा ऐड करने पे उसको कैरी को रखेंगे और पर्पल वाले यानी कि बैगनी वाले में ऐड कर देंगे उसी स्थान पे। तो यहाँ पे कहीं भी कोई कैरी नहीं है, तो उसको समझने के लिए चलते हैं 4 डिजिट के टेबल कैसे लिखेंगे, वहाँ पे कैरी भी आपको मिलेगा तो आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं 4 डिजिट का टेबल देखते हैं। यहाँ 4 डिजिट का टेबल 7416 लेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में वही करना है, 6 के नीचे 6 का टेबल, 1 के नीचे 1 का टेबल, 4 के नीचे 4 का टेबल, 7 के नीचे 7 का टेबल लिख देंगे। उसके बाद स्टेप 2 में टेंस प्लेस पे जितना भी खाली जगह है वहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में
वैसा ही करना है। सिक्स का जो टेबल लिखे थे उसका जो यूनिट प्लेस पे है उसको एज इट इज़ यूनिट प्लेस पे लिख देंगे सिंगल डिजिट। फिर उसके बाद सिक्स का टेबल का टेंस प्लेस पे और वन का टेबल का यूनिट प्लेस पे जितने भी डिजिट है एक दूसरे से ऐड करके लिख देंगे। और लिखने का तरीका वैसा ही रहेगा, अगर दो डिजिट आता है तो एक डिजिट लिखाएगा यूनिट प्लेस वाला और टेंस प्लेस वाला क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, यानी इकाई वाला लिखा जाएगा दहाई वाला कैरी रह जाएगा और वो कैरी अगले में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कहाँ कैरी आया है, तो 7+4 में कैरी आया है, 7+4 11 होता है तो 1 कैरी 1 लिखा गया। फिर 8+4 2 लिखा गया, फिर 1 कैरी रह गया। 9+5 14 4 लिखा गया, 1 कैरी हो गया। अब जो जो कैरी है वो पिंक वाले में ऐड हो जाएगा जब ऐड करेंगे तो पिंक वाले को यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे। और कैरी कहाँ था, तो कैरी आपका था 7+4 वाले स्थान पे, तो 8+0 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कैरी के साथ मिलके 9 हो जाएगा, देख लीजिए 9 लिखा गया। उसी तरह से 2+0 2 एक कैरी था तो 3 हो गया ऐड होके। उसी तरह से 6+0 6 हो गया, एक कैरी था तो 7 हो गया ऐड होके। फिर एज इट इज़ लिखा गया 1, तो अब कैरी नहीं रहा तो अब पर्पल वाले जो है वो नया से स्टार्ट होगा, यानी कि 4 डिजिट का टेबल का टेंस प्लेस और 7 डिजिट का टेबल का यूनिट प्लेस वाला को ऐड करेंगे फ्रेश वे में, ठीक है। तो 7+0 7 होगा, यहाँ पे सीधे कैरी वाला मैं बता देता हूँ, कैरी रह गया यहाँ पे आपको मिलेगा 9+2 11 होता है तो 1 1 कैरी रह जाएगा। उसी तरह से और कहीं कैरी नहीं है तो बाकी को सिंपल ऐड हो जाएगा सिंगल डिजिट के साथ लिखा जाएगा। तो अगला लास्ट वाला जो है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, कहाँ पे सिर्फ चेंज होगा जो कैरी था, तो 4 जो है यहाँ पे 9+2 में जो कैरी था वो 4 के साथ मिलके 1 5 हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लिखना है। तो थर्ड स्टेप का कंक्लूजन क्या निकला कि हमको रिजल्ट क्या करना है, राइट टू लेफ्ट लिखना है और जितने डिजिट का टेबल हम लोग लिख रहे हैं उसका जो यूनिट डिजिट का जो टेबल लिखाएगा, यानी यहाँ पे 6 का टेबल लिखे हुए हैं तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको एज इट इज़ लिख देना है। उसके बाद टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस को ऐड करके लिखना है। और लिखना कैसे है कि यूनिट प्लेस वाला लिखाएगा और टेंस प्लेस वाला कैरी हो जाएगा, और ये हर बार इसी तरह से चलता चला जाएगा। हर बार टेंस प्लेस वाला और यूनिट प्लेस वाला एक दूसरे से ऐड होगा, कैरी रह जाएगा, फिर वो कैरी अगले बार ऐड होगा, ठीक है। तो इसी तरह से करते चले जाना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप फास्ट कर सकते हो इस प्रोसेस को, इतना लेंदी वे में लिखना नहीं है, तो चलिए वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ 12 का एग्जांपल लेता हूँ मैं, 12 डिजिट का टेबल किस तरह से फास्ट वे में लिखना है। तो 12 में 2 डिजिट है 1 और 2, तो यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसका टेबल का यूनिट प्लेस में जो आता है वो लिख लेंगे, यानी 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 लिख लेंगे। और बाकी जो कैरी रहता है 10 से 1 1 1 1 1 2 ये कैरी रहता है उसको उसके बगल में ही लिख देंगे जो रेड वाला है। उसके बाद 1 का टेबल है, 1 का टेबल को माइंड में ही रखना है, यानी जो पर्पल वाला कलर है बैगनी वाला उसको माइंड में ही रखना है और उसको ऐड कर देना है और ऐड करके डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ 4 तक डायरेक्ट लिखा जाएगा बिना एडिशन के, क्योंकि यहाँ तक कैरी नहीं है, तो कैरी है यहाँ 5 से, 5+1 होके 6 हो जाएगा, उसको माइंड में ही कर लेना है, 6+1 ऐड होके 7 हो जाएगा, माइंड में ही करके लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पे 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, और 10+2 मिलके 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आप फास्ट लिख सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको फास्ट मेथड भी समझ में आया होगा और आप 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट में ट्राई करके देख सकते हो कि फास्ट कैसे लिखा जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, हमें बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और सब्सक्राइब करें चैनल को इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए जब भी हम लोग अपलोड करें वीडियोस को। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।